दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी अल्ट्रा के लेटेस्ट अपडेट का। पीएलसी अल्ट्रा का जब प्राइस राइज करता है, तब पीएलसी अल्ट्रा एक्स का प्राइस डंप होता है, और जब पीएलसी अल्ट्रा एक्स का प्राइस राइज करता है तो आपको पीएलसी अल्ट्रा में डंपिंग देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है और क्या अभी के डेट में आपको पीएलसी अल्ट्रा में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अभी के डेट में आपको क्या करना चाहिए जिस हिसाब से पीएलसी अल्ट्रा का प्राइस डंप हो रहा है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। और देखिए, अभी अगर इसके हम ओवरव्यू की बात करें तो इसका प्राइस आपको $1100 के रेंज में देखने को मिलता है। इसका प्राइस कहाँ $1,00,000 के ऊपर था, वहां से गिर के $1100 के रेंज में आ गया है, और अभी भी इसका जो प्राइस है वो और यहाँ डंप हो सकता है। मतलब अगर हम यहाँ मिनिमम इसके टारगेट की बात करें तो इसका जो प्राइस है आपको यहाँ $100 के नीचे देखने को मिलेगा बड़ी इजिली। यहाँ देखिए, डंपिंग का जो सिस्टम है वो अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे और इसका जो प्राइस है वो गिरता जाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई मार्केट में आती जा रही है और इसका जो डिमांड है वो कुछ भी नहीं है अभी के रेट में। और जो पहले आपको यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन मिलता था, जहाँ आप जाके इनकी कम्युनिटी के साथ डिस्कस कर सकते थे, वहां पे भी अब आपको जो मैसेजिंग अलाउ नहीं है, तो जो भी अब एलेक्स चाहे इस प्रोजेक्ट में हो सकता है। अभी अगर इसके हम 24 आवर के फ्लैक्चुएशन की बात करें तो इसका फ्लैक्चुएशन आपको $1100 से लेके $1225 के बीच में देखने को मिलता है। मार्केट कैप आपको 675 मिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको 3 मिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है। जितने भी दलालों को इनका कमीशन मिल रहा है, जितने डायमंड है या उसके ऊपर के जितने इनके रैंक मिले हुए हैं, तो उसके हिसाब से ही इनका कमीशन आता है, और जो भी यहाँ पे कमीशन इनका आ रहा है वो अपने कमीशन को सेल कर रहे हैं, जिससे यहाँ सेलिंग का प्रेशर पड़ रहा है पीएलसी अल्ट्रा में। और जो लोग यहाँ इन्वेस्टर हैं उनको कॉइन्स मिंटिंग के थ्रू मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पे अपने कॉइन को सेल करना चाहते हैं, जिससे यहाँ सेलर ज्यादा आ रहे हैं और बायर कोई भी नहीं है पीएलसी अल्ट्रा का। अब अगर इसके हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये आपको 5,74,000 देखने को मिलती है। इसकी जो सप्लाई है वो डेली बेसिस मिंटिंग के थ्रू बढ़ रही है। मैक्सिमम सप्लाई 11 मिलियन है यहाँ पे। अब अगर इसके हम 24 आवर के फ्लैक्चुएशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके फ्लैक्चुएशन अब माइनर से जोर में हो गई है, पर ये देखिए, ये रिमेन थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे फिर से मेजर डंपिंग देखने को मिलेगी। कोई भी एजेंट, कोई भी दलाल अगर आपको बोलता है कि अभी पीएलसी अल्ट्रा का प्राइस डंप है, आप यहाँ पे बाइंग कर लो, दोबारा से ये $1,00,000 को टच करेगा, तो आपने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये एक स्कैम है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस दल्ले को आपका जो इन्वेस्टमेंट का कमीशन मिल जाएगा, और अपने कमीशन के लिए ही आपको वो लोग यहाँ पे फंसाएंगे। अब अगर इसके हम मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसके जो नंबर ऑफ एक्सचेंज, जो लिस्टिंग है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। पर लिस्टिंग का इफेक्ट क्या आता है कि यहाँ पे और भी जो सेलिंग का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। आपको पता है कि पहले ये गिने चुने एक्सचेंज पे था, तो वहां पे क्या होता है कि कॉइन्स बिट पे आपको सेलिंग का एक लिमिट मिलता था, पहले 0.05 क्वांटिटी ही आप सेल कर पा रहे थे, जिससे सेलिंग उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, और यहाँ मिंटिंग के थ्रू कॉइन्स मार्केट में आ रहा था, तो प्राइस एक लेवल पे स्टेबल था। पर जैसे ही ये लिमिट बढ़ गया और अलग अलग एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग हो गई, तब से आपको यहाँ पे जो मेजर डंपिंग है वो देखने को मिलता है इसके प्राइस में। और यहाँ देखिए, जो एलेक्स है, जो कि फाउंडर है पीएलसी अल्ट्रा का, वो एक सीरियल स्कैमर है। उसने क्या किया है कि इंडियंस लोगों को भी एड ऑन कर लिया है अपने स्कैम में, और सबके सब मिलके एक साथ ही यहाँ जो लोगों को लूट रहे हैं, भोले भाले लोगों को जिनको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ बात करें जिन लोगों को नहीं पता था कि पीएलसी अल्ट्रा एक स्कैम है और वो लोग यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, या वो भोले भाले लोग जिनको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं थी और पीएलसी अल्ट्रा के दलालों ने उनको इसमें फंसा दिया है, उनको क्या करना चाहिए? तो अगर आपका यहाँ थोड़ा लॉस हो रहा है, जैसे अगर आपके बाइंग प्राइस से अभी पीएलसी अल्ट्रा का प्राइस $10,000 या $15,000 के लॉस पे है, तो आप अपना एग्जिट ले ले अभी के डेट में भी, क्योंकि आप यहाँ पे बच जाएंगे इसके प्राइस के जीरो होने से पहले। दलाल क्या है, आपको दूर के सपने दिखाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका कमीशन आ जाएगा, और आपका जो पैसा होगा वो यहाँ पे स्टक होके रह जाएगा। आपको यहाँ मिंटिंग के कॉइन मिलते रहेंगे और उस कॉइन का भी कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे आपकी नॉलेज होती क्रिप्टो करेंसी की, तो दलालों को आप यहाँ जवाब दे सकते थे कि आप यहाँ पे पीएलसी अल्ट्रा की बात कर रहे हो, पहले जो इनका प्लैटिनम कॉइन आया था उसमें क्या हुआ, वो क्यों यहाँ पे डेड हो गया, और पीएलसी अल्ट्रा का प्राइस जो है वो कैसे रिकवर करेगा, क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, फ्यूचर क्या है पीएलसी अल्ट्रा का, तो वो लोग आपका घर छोड़ के चले जाते और आपका यहाँ पे लॉस नहीं होता। अभी के डेट में देखिए, अगर आप यहाँ अपने कॉइन का फॉर्म चेंज कर देते हैं, तभी आपका यहाँ जो थोड़ा लॉस है वो मिनिमाइज होगा,
अदरवाइज आप यहाँ बहुत बड़े लॉस में पड़ चुके हैं और इसका जो प्राइस है वो कुछ टाइम बाद जीरो के कतार पे आ जाएगा। तो जीरो होने से पहले आप अपना एग्जिट ले लें यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ बात करें दोनों कॉइन्स में डिफरेंस क्या है, तो जब आप यहाँ आएंगे कॉइन्स बेट एक्सचेंज पे, तो आप देख सकते हैं जो पीएलसी अल्टिमा है उसका प्राइस आपको 1200 यूएसडीटी के बराबर देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको जो फेक पंप भी देखने को मिला है जो कि आपको यहाँ $2900 तक गया है और उसके बाद से यहाँ डंपिंग हुई है। तो जो लोग भी देखे यहाँ पीएलसी अल्टिमा के इन्वेस्टर हैं वो वेट करें ऐसे इंसिडेंट का, जब भी यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिलती है तभी आप यहाँ पे एग्जिट ले लें, क्योंकि ऑल ओवर इसका जो प्राइस है वो अपने बॉटम से बॉटम जोन में जाता जाएगा। मतलब अभी आप देख रहे हैं 1200 की जोन में, कल को आप देखेंगे इसका जो प्राइस $800 के रेंज में होगा और उसके बाद $500 के रेंज में होगा, ऐसे ही करते करते ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो दलाल है उन्होंने पहले झांसा दिया कि अक्टूबर में इसका प्राइस राइज होगा क्योंकि मिंटिंग यहाँ पे रुक जाएगी, पर मिंटिंग के प्लान सेप्टेम्बर में भी बिकते रहे जिससे क्या है इसकी सप्लाई यहाँ बढ़ती रही। और वही चीज अभी भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिए जो आपको मेजर टारगेट है कि ये बाइनेंस का दे रहे हैं, तो बाइनेंस पे पीएलसी अल्टिमा की लिस्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये एक एमएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट है और इसके फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, एलेक्स एक स्कैमर है, और उसके अलावा आपको पीएलसी अल्टिमा में कोई भी जो बड़ा इन्वेस्टर देखने को नहीं मिलता। तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है उनमें एक हाइक पैदा करी जा सकती है कि आने वाले टाइम में इसकी लिस्टिंग होगी बाइनेंस पे, पर एक्चुअल में इसकी लिस्टिंग नहीं होगी। अब अगर आप यहाँ स्टक हो गए तो आपके पास जो दूसरा कॉइन आता है वो है आपका पीएलसी अल्टिमा एक्स। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको जबरदस्त डंपिंग देखने को मिली है, पर धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी होगा क्योंकि यहाँ क्वार्टर थर्ड का जो कॉइन है वो आपको यहाँ पीएलसी अल्टिमा एक्स देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप अपने कॉइन से यहाँ पे कन्वर्ट कर लें पीएलसी अल्टिमा एक्स का। अब एक मेरे भाई ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि उनको क्या है क्वांटिटी लेस का एक जो एरर आ रहा है, तो भाई यहाँ जो प्राइस है पीएलसी अल्टिमा एक्स का उसके कंपैरिजन ही आपको यहाँ जो अपने अल्टिमा कॉइन यूज करने पड़ेंगे। अगर आपके यहाँ अल्टिमा कॉइन कम होंगे तो आप यहाँ पे अपने पीएलसी अल्टिमा से पीएलसी अल्टिमा एक्स को बाय नहीं कर पाएंगे, और यही प्लान एलेक्स का है कि आप यहाँ अपने कॉइन के फॉर्म को चेंज करने के लिए भी आप अपने और कॉइन्स को बाय करेंगे जिससे क्या है कि जो एलेक्स की कमाई होगी। तो अगर आपकी क्वांटिटी जो सफिशेंट नहीं है तो आप यहाँ अपने अल्टिमा कॉइन को सेल कर दें और जितना जल्दी हो सके अपना एग्जिट ले लें। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।